everyone, assalamu alaikum, namaste, sastri akal, welcome back to you on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction channel. कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग वीडियो देखेंगे और ये वीडियो होने वाला है भारत ने जो है वो ग्रोथ उसकी किस तरह से इंक्रीज हो रही है और जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बात हो रही है. हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जानते हैं वीडियो में क्या क्या फैक्ट्स हमें जानने को मिलते हैं. ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से खैर करते हैं वीडियो को स्टार्ट. ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में. तो दोस्तों, अब से कुछ ही मिनटों पहले भारत ने चीन को हरा दिया है, पूरे यूरोप की धुलाई कर डाली है. एशिया के अंदर कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत के आसपास भी हो. और यकीन मानिए, जब मैं आपको ये ऐतिहासिक आंकड़े दिखाऊंगा तो हैरानी से आपका मुंह खुला रह जाएगा, क्योंकि दुनिया के तमाम ताकतवर देशों का आज यही हाल है. सब यही सोच रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था आज 3.1 ट्रिलियन पर खड़ी है, लेकिन जब भारत 5 ट्रिलियन उसके बाद 10 ट्रिलियन को पार करेगा तब भारत क्या ही कर डालेगा. और यकीनन ये सोचने वाली बात है, इस पर भी हम बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा जिससे कि आप ये पूरा मामला बहुत आसानी से समझ जाएंगे. दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो लगातार IMF से लोन की मांग कर रहे हैं. अगर पाकिस्तान को 4 हफ्तों के अंदर लोन नहीं मिला तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी, और ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो चुकी है. अभी अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे एशिया के अंदर पाकिस्तान का जो शेयर मार्केट है वो तीसरा टॉप वर्स्ट परफॉर्मर है, यानी कि सबसे बुरा परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बन चुका है. और जल्द ही इन्हें IMF लोन नहीं देता है तो इनकी पूरी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी. लेकिन इन्हें लोन चाहिए कितना? करीबन $6 अरब का. और ये 6 अरब पाने के लिए पाकिस्तान IMF की हर एक शर्त मान रहा है, यहाँ तक कि अब जो भी पाकिस्तान का बजट हुआ करेगा वो भी IMF तय करेगा. लेकिन हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं आज, इसका कारण है. दरअसल अब से कुछ ही देर पहले IPL के जो मीडिया राइट्स थे उनकी बोली ख़त्म हुई है. और मीडिया राइट्स मतलब कि जो तमाम चैनल्स हैं जो IPL को TV पर दिखाना चाहते हैं, ये उसके लिए बोली थी. अब आप जानकर हैरान होंगे कि जो आखिरी बोली लगी है ना वो 43,000 करोड़ रुपए की है, यानी कि लगभग $6 अरब की. इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ये बोली अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसे कल से फिर से शुरू किया जाएगा. और बताया जा रहा है कि ये 50,000 करोड़ को भी पार कर जाएगी, यानी कि $7 अरब को भी बड़ी आसानी से क्रॉस कर जाएगी. और अभी अगर हम 43,000 करोड़ का हिसाब जोड़ें तो यानी कि BCCI को एक IPL मैच के लिए 100 करोड़ रुपये मिलेंगे. लेकिन कल को ये बोली स्टार्ट होगी तो ये और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, 120-130 करोड़ को भी ये पार कर जाएंगे पर मैच. और आपको बता दूं, इसी के साथ भारत ने यूरोप, चीन, पूरे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सबको धूल चटा दी है. यहाँ तक कि जो दुनिया का नंबर 1 स्पोर्ट माना जाता है पॉपुलैरिटी के मामले में फुटबॉल, उसकी जो सबसे बड़ी लीग है EPL यानी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग, उसके एक मैच के लिए करीबन $11 मिलियन मिलते हैं. लेकिन अब जो भारत का IPL है वो उसे क्रॉस कर चुका है और दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है. और अब रैंकिंग कुछ ऐसी है कि नंबर 1 पर है अमेरिका का NFL जिसके एक मैच के मिलते हैं $17 मिलियन. दूसरे नंबर पर आ चुका है IPL जिसके एक मैच के कम से कम 12 से लेकर $13 मिलियन मिलते हैं, और कल ये बढ़ेंगे भी. तीसरे पर आता है EPL यानी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग, जो फुटबॉल की लीग है. यानी कि अगर आप देखें तो दुनिया में अमरीकी NFL के बाद भारत का IPL दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट ब्रांड बन चुका है फाइनेंशियली. और हैरानी वाली बात यह है कि फुटबॉल, जिसे कहा जाता था कि हराया नहीं जा सकता, फाइनेंशियली अकेले IPL ने सारी फुटबॉल लीग को धूल चटा दी है. और हंसी तो इस बात की आ रही है कि इतना पैसा मिल चुका है BCCI को जिससे कि पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है. इकोनॉमिक कोलैप्स से अकेला BCCI पाकिस्तान को बचा ले जाएगा. सोचिए इतना ज़्यादा पैसा, और ये ब्रांड तो भी बढ़ेगा. सोचिए भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन है अभी, आने वाले समय में ये 5 भी होगी, 6 भी होगी, 8 भी होगी, 10 भी होगी, इससे आगे भी हम जाएंगे. तब सोचिए आप IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट
कहाँ जाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो। ये है हमारा आज का वीडियो जिसमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है और बजट पाकिस्तान का जो है वो हो सकता है कि जो है वो पाकिस्तान के हैंडओवर नहीं होगा, वो भी अब आईएमएफ जो है वो ही डिसाइड करेगा। लेकिन बहुत ही अफसोस है कि पाकिस्तान की अब कंडीशन ये हो गई है कि डाउन हो गया, स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है और बहुत ज़्यादा गिर गई है और आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होता है। और मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि यहाँ पर तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, सिर्फ ये इन सारी रीजंस की वजह से ही महंगाई हुई है। तो मैं 500 की अगर कोई चीज़ ख़रीद के लाती हूँ तो सोचो आप कितने की वो मिलती होगी। 500 में मुझे सिर्फ 2 से 3 चीज़ें ख़रीदने को मिली हैं, जिसमें एक 1 kg शुगर था और उसके साथ एक डिश वॉश का एक बार था और साथ में एक ब्यूटी सोप था और जो है वो शैम्पू था, एक दैट्स इट। और इसको ये सारी टोटल कॉस्ट मेरी 550 रुपीज़ बनी थी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इतनी महंगाई हो गई है। और ये महंगाई क्यों हुई है, सिर्फ इन चीज़ों की वजह से। जो चीज़ मैं पहले 100 समथिंग की बाय करती थी वो अब मैंने 250 करके जो है वो प्रोडक्ट उसकी कॉस्ट पे की है। तो महंगाई हो गई है और अब अगर IMF इसमें ऐड मतलब आ रहा है या फिर दूसरी कंट्री इन्वॉल्व होंगी तो जाहिर सी बातें महंगाई होगी। वैसे आई एम वेरी सरप्राइज कि पाकिस्तान में शुगर की प्राइस कम हुई है। पहले 150 तक जा चुकी थी लेकिन अब जो है 99 रुपीज़, मैंने तो 99 में 1 kg बाय किया है। आई नो ये बहुत ही महंगी है लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी एज़ कम्पेयर टू 150 रुपीज़ ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल प्राइस थी। ठीक है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, नो डाउट यार। आप देखो कहाँ पर पहुँच गया है। और अगर ये लोग आने वाले वक्त में इस क्राइसिस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो यकीनन ये श्रीलंका बन जाए। पाकिस्तान के अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। और देखो एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान है। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज़ किया है, उसको डेवलप किया है, लोगों को मौके दिए हैं बिजनेस करने के भारत में। और आज देखो IPL जैसी कंपनी, मतलब IPL एक नाम बन चुका है पूरी दुनिया में। अब सेकंड नंबर पर IPL आ रहा है। आप सोचें इसकी कितनी डिमांड है, कितना पैसा इस पर लगाया जा रहा है। इसको मतलब सिर्फ शो ख़रीदने के लिए कितना पैसा लगाया जा रहा है, लोग ख़रीद रहे हैं। तो यही बात होती है कि एक नाम बना दिया है और इसी वजह से आज भारत जो है वो बहुत ही ज़्यादा आगे है। क्योंकि भारत और मोदी जी की गवर्नमेंट जो है, मैं ये समझती हूँ कि उन लोगों की टीम पूरी जो है वो पूरा फोकस कर रही है गेम्स के ऊपर, अपनी रोड्स के ऊपर, अपनी डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, अपनी कंट्री रिलेशनशिप के ऊपर, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ उन्होंने रिलेशन बना रखे हैं। तो खैर अच्छी बात है, ऐसे ही रिलेशन बनाए रखना चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ाते जाना चाहिए। जाहिर सी बात है आपकी कंट्री आगे बढ़ेगी तो आपका नाम भी रोशन होगा, आपकी कंट्री का भी नाम रोशन होगा और आपकी पब्लिक का भी, आपकी पब्लिक भी फ़ख्र से अपना नाम मतलब लेगी। तो अच्छा लगा वीडियो देखकर, बट यह है कि अफसोस होता है पाकिस्तान के लिए कि यार देखो पाकिस्तान को हम जो है वो काफ़ी पीछे चला गया है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है, जो कि पाकिस्तानी पब्लिक जो है ना, आम पब्लिक, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। वैसे नॉर्मली दूसरों के लिए तो ये परेशानी नहीं है। और मैं ये समझती हूँ पाकिस्तान में जो गरीब से गरीब लोग हैं, गरीब मतलब और गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। क्योंकि पता सा है, अब गरीबों के पास जो था वो जमा पूंजी वो खाई जा रहे हैं, उनके पास इतनी महंगाई है। जाहिर सी बात है वो लोग अपनी सैलरी से तो मैनेज नहीं कर सकते ये सारा कुछ। तो खैर गाइज आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सजेशन तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।